आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS में। और अगर आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नई वीडियो की। आज का जो स्टॉक है मदरसन सुमी सिस्टम्स, एक ऑटो इंसलरीज यानी ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है और शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी। लेकिन करंट स्थिति क्या है वो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो बेसिक चीज़ें पहले हम कंपनी के बारे में कुछ देख लेते हैं, कई लोगों को शायद ना पता हो। संवर्धना मोटर मदरसंस ग्रुप SMG कंबाइंस द पावर ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ पैशनेटली क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दैट कैटर टू कस्टमर नीड्स अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज। चलिए, ये तो इनका बखान है, आगे हम और देखते हैं, बढ़ते हैं। हाँ, बेसिक जो हमारा जानने का मकसद है कि SMG हैज़ ऑपरेशन इन 41 कंट्रीज, यानी कि 41 देशों में इनकी प्रेजेंस है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। इट्स अ बोर्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन मोर देन 270 फैसिलिटीज एंड 24 डिज़ाइन सेंटर अक्रॉस द ग्लोब बाई ओवर 1,35,000 प्रोफेशनल्स। तो काफ़ी अच्छे इनके जो है प्रोडक्ट्स हैं, व्यापार हैं। और अगर हम इनके कुछ बिजनेस प्रोफाइल में चलते हैं, देखते हैं ओवरव्यू, तो हाँ, जो गाड़ियों के रेयर मिरर होते हैं या फिर जिस प्रकार की पार्ट्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, एक कंप्लीट गाड़ी को या कार को या फिर व्हीकल को बनाने में जो इनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन सब को जो मिला के बनता है, एक कंप्लीट गाड़ी सक्सेसफुल बनती है। चाहे छोटी छोटी चीज़ें होती, जैसे लाइट्स हो गई, ये साइड लाइट्स हो गई, हेड लाइट्स हो गई, डिज़ाइन वाइज हो गई, तो बड़े अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं और वर्ल्ड वाइड हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि 41 देशों में इनकी प्रेजेंस है। और आज का क्या प्राइस है हम देख लेते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड आज 13 अगस्त मार्केट बंद हो चुकी है 97.25 रुपये के भाव पे, और 9% के करीब यहाँ पे आज डाउनसाइड है। और जो साल का लो था 91 रुपये, हाई था 212 रुपये, तो हाई से काफ़ी, मतलब प्राइस आधा हो चुका है। और मार्केट कैप है 30,710 करोड़ की, अर्निंग पर शेयर है 5.11 की, और पी रेशियो है 19 का, जबकि बुक वैल्यू है 42 की। तो बुक वैल्यू से जो प्राइस है 97 का, तो मेरे ख़्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुका है। बुक वैल्यू 42 की है और बुक से डबल ही है एग्जैक्ट, तो इस लेवल पे आ चुका है। प्राइस टू बुक 2.30। हाँ, और इंडस्ट्री पी है 42 की, तो इंडस्ट्री के जो इसकी पीयर कंपनीज में है उसमें से भी ये पी रेशियो आधे प्राइस टू अर्निंग आधे पे है, और फेस वैल्यू एक रुपये की है। डिलीवरी देखिए इसमें 57% के आसपास की है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसके हम फंडामेंटल्स तो देखेंगे ही, हमें इसका जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट लगा कि ये बोनस बहुत अच्छा देती है। बोनस की हिस्ट्री भी हम देखेंगे, और अगर यहाँ पे हम इनके कंसोलिडेटेड, हाँ, अगर हम क्वार्टर क्वार्टर के देख रहे हैं ग्रोथ, तो रेवेन्यू वाइज अगर हम नेट सेल्स में जाते हैं, तो सितंबर 18 में जो थी 14,853, वहीं ग्रोथ हुई 16,000 पहुंच गया। फिर यहाँ पे भी मार्च 19 में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है 16,900, और अगेन यहाँ जून 19 में अगर हम कंपेयर करते हैं मार्च 19 से, तो थोड़ी सी नेट सेल्स में डाउन साइड है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट में चलते हैं, तो सितंबर 18 में जो थी 469 की, और दिसंबर 18 में हो गई 525 करोड़ की ग्रोथ है, लेकिन मार्च 19 में अगेन यहाँ पे डाउन साइड है 408 की, और फिर से यहाँ पे 339 करोड़ की हो गई नेट प्रॉफिट, तो डाउन साइड है। टोटल जो कर्जा है इन पे, टोटल डेट यहाँ पे शो कर रहा है बैलेंस शीट पे इनके 10,942 करोड़ का, और टोटल जो इनकी असेट्स है 25,385 करोड़ की। आइए कुछ डिटेल्स में हम देखते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12 की, और सेल्स ग्रोथ है 12 की। तो अगर हम
ईयर ऑन ईयर कुछ देखते हैं, कुछ वर्षों में किस प्रकार की इनकी नेट सेल्स रही है अगर हम रिटेल वाइज देखते हैं, तो अगर हम 2014 से भी ले लेते हैं तो 4512 करोड़ की थी, और हम कंसोलिडेटेड देखते हैं, यस हाँ 2014 से देखते हैं 30414 की, और 15 में फिर यहाँ पे ग्रोथ है, मार्च 16 में अगेन यहाँ पे ग्रोथ है, मार्च 17 में, 2017 में भी ग्रोथ है और नेट सेल्स में इनकी जंप है, और मार्च 19 में भी यहाँ पे इनकी लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ट्रेलिंग 12 मंथ यहाँ भी जो है अभी ग्रोथ दिखाई दे रहा। इसी प्रकार अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखते हैं तो 2014 से यहाँ पे लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है ना? और अगर हम नेट प्रॉफिट में भी चलते हैं 2014 से पकड़ लेते हैं 5 सालों के हिसाब से, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज़ हो रहा है साल दर साल, ईयर ऑन ईयर। और हाँ मार्च 19 में 1613 करोड़ का, और अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो जहाँ 10 सालों में 37% के आसपास है, 5 सालों में 15% के आसपास, 3 सालों में 19% के आसपास, वही नेट प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट ग्रोथ में अगर हम देखते हैं परसेंटेज रेशियो, तो 10 सालों में 24 और 5 सालों में 16 और 3 सालों में करीब 8% के आसपास मानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसी प्रकार से अगर हम 10 सालों में 22% देखते हैं, 5 सालों में 21% और 3 सालों में 18% के आसपास, तो इस तरीके के इनके जो है रिजर्व्स में देखते हैं, तो रिजर्व्स में इनके पास अगर हम मार्च 19 में देखते हैं तो 10,647 करोड़ इनके पास रिजर्व है, और इनके पास जो कर्जा है वो 11,534 करोड़। अभी हमने यहाँ पे देखा था मार्च 19 में, हाँ तो अभी इनके जो है 10,942 करोड़ इनके यहाँ पे कर्जा था, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है जून 19 का। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से अगर इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है तो ये एक अच्छी बात है कि अगर बोरोविंग है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे तो कम किया जा सकता है। अब देखते हैं हम इसकी बोनस हिस्ट्री देखते हैं, फिर हम शेयर पैटर्न भी देखेंगे कि प्रमोटर्स के पास किस प्रकार की इनकी स्थिति है। प्रोमोटर्स के पास 61% से ज़्यादा की इनके पास होल्डिंग है, तो ये एक अच्छा नंबर है, और बाकी FIIs एंड DIIs हैं, म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे स्कीम्स हैं कई सारी हैं, लेकिन हम फुल डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन अच्छी होल्डिंग है। आइए हम बोनस भी देख लेते हैं, क्योंकि बोनस इसका जो है बेस्ट पार्ट मुझे लगा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो है ही। हाँ अगर हम बोनस हिस्ट्री देख रहे हैं, क्षमा करिएगा थोड़ा सा, हाँ तो 97 से हम नहीं पकड़ते, हम पिछले यहाँ से 2012 से ले लेते हैं, 2012 से अल्टरनेटिव एक तरीके से कह सकते हैं कि 2012 में भी दिया इन्होंने, दो में से एक जिसके पास दो शेयर थे उनके उनको और एक शेयर मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ 13 में दिया, 15 में दिया, 17 में दिया, 2018 में भी दिया, पिछले वर्ष भी इन्होंने जो है सितंबर में बोनस दिया, तो बोनस भी काफ़ी शानदार ये कंपनी बांटती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और इसमें आजकल भारी गिरावट है, और यही नहीं सिर्फ ऑटो सेक्टर पूरा धराशायी है, तो ऑटो सेक्टर की जो ये ऑटो एंसिलरीज कंपनियां हैं, क्योंकि जब नई गाड़ियां बनेंगी ही नहीं तो इनकी भी बिक्री में, इनकी भी नेट सेल्स में आगे आने वाले समय में थोड़ा सा डाउन साइड देखी जा सकती है, और अगर नेट सेल्स में इनकी कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके नेट प्रॉफिट में भी प्रभाव पड़ेगा, इनके मार्जिन में प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस और नीचे आए। लेकिन जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं या निवेश करना चाहती हैं, या जो लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो बढ़िया कंपनी आप बिल्कुल भी ना बेचें, डिविडेंड का आनंद लेते रहें, बोनस का आनंद लेते रहें, आपके शेयर क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं तो इन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना, ऐसा नहीं है, इनके पार्ट्स वैसे ही बिकेंगे और अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है, तो ये इस समय जो बॉटम लेवल चल रहा है ऐसे में हमें इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है,
लेकिन किस लेवल पे जाके इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि किस लेवल तक और मार्केट नीचे डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि लगातार अभी गिरावट पे गिरावट मार्केट में चल रही है, FIIs की सेलिंग चल रही है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। और ऑटो कंपनीज़ में जहाँ तक है तो शोरूम से गाड़ियाँ बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उसके कई रीज़न्स हैं। और जिस प्रकार से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको प्रमोट करने के लिए जो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनको उन पे जो है रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और भी कई टैक्सेस लगा दिए गए हैं। इस वजह से कस्टमर्स का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है, उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, और लोग हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कारों का भी वेट कर रहे हों कि कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, उस हिसाब से वो लोग उस पर। तो अभी थोड़ा समय लग सकता है इन कंपनियों को। तो और ऑटो एंसिलरीज या कंपोनेंट्स बनाने वाली कार भी उससे प्रभावित हुई है। तो जो लोग चाहें तो लंबे समय के निवेशक है तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ी थोड़ी बाइंग एवरेज करते रहें, ख़रीदते रहें समय समय पे। अगर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर में एंसिलरीज में जाया जा सकता है तो मिंडा इंडस्ट्री का भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। और मदरसन सोनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। समय होता है कभी कभी कुछ कंपनियों का कि डाउनसाइड आती हैं, फिर उनकी ग्रोथ होती है जैसे ही मार्केट में उसका अच्छा चाम आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।